अच्छा जी, आज हम हिमाटोलॉजी सेशन स्टार्ट करेंगे। हम जो बुक यूज़ करेंगे उसको हम वो प्रथम है, और उधर हम देखेंगे पहला टॉपिक कौन सा है, चैप्टर नंबर। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम करेंगे, इसका जो क्वेश्चन करेंगे वो रेड ब्लड सेल्स एनीमिया करेंगे। काफी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो पहले हम इसको करेंगे। इसको साथ में एक दफा ये स्टेप टू सीके से भी देख लेंगे, स्टेप वन से भी देख लेंगे, कोई इसमें नई चीज तो उसने मेंशन नहीं की हुई। सबसे पहले ना आपको एनीमिया की डेफिनेशन बतानी चाहिए, एनीमिया होता क्या। ठीक है, एनीमिया की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है रिड्यूस इन द सर्कुलेटिंग आरबीसी मैस। ठीक है, रेड ब्लड सेल मैस। अब आरबीसी मैस बनता किस किस से है, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। आरबीसी मैस आपके कंपोज होता है हीमोग्लोबिन से बनता है, आपके हेमाटोक्रिट से बनता है, और आरबीसी काउंट से बनता है। ये तीनों चीजें मिलके आपकी क्या बनाती है जी, आरबीसी मैस बनाती है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर एनीमिया हो गया, कोई सा भी एनीमिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, कोई सा भी एनीमिया, आगे जाके हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उस हिसाब से मैं आपको फर्दर ऑन बताता जाऊंगा। अच्छा, अब किसी में हो गया एनीमिया, अब एनीमिया हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, क्या क्या डिक्रीज करेगा उसमें। आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, हीमेटोक्रिट कम हो सकता है, और आरबीसी काउंट भी में भी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही है। अब एक दफा हम यहाँ से इसके सिम्टम्स पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एनीमिया हुआ तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स अपियर होंगे, कौन से जो उसके कॉमन सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनीमिया में जो इसके कॉमन सिम्टम है उसमें सबसे पहले आ जाएगा हाइपोक्सिया होगा। टिश्यू को जब आपको पता है कि ऑक्सीजन कम मिलेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, हाइपोक्सिया बोलते हैं, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाएगा। सेकेंडली इसमें क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, डिस्निया हो सकता है। ठीक है, ये सारे कॉमन फीचर किसके हैं जी, ये सारे अनीमिया के फीचर हैं। अनीमिया में ये सब कुछ होता है। ठीक है, फटीग, डिस्निया, वीकनेस, पेल कंजक्टाइवा हो जाता है। स्पेसिफिकली क्या पेल हो जाता है, कंजक्टाइवा। अगर तो पूछा जाए ना आपका सक्लेरा किस में पेल येलो होता है, तो वो आपने वो इंडिकेट करता है जॉन्डिस को। अगर पूछा जाए कि कंजक्टाइवा किस में पेल होता है, तो वो होता है अनीमिया में। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना आपने। ठीक है, और इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हेडेक हो सकती है, सर दर्द शुरू हो जाएगा पेशेंट को, थकावट सी फील होना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में मसला होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो सही कैरी कर नहीं रहा, आरबीसी मैस कम है, तो इसीलिए ये सारे फीचर कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हम इसमें देख सकते हैं। इसको एक दफा हम बुक से रीड कर लेते हैं, कोई चीज उसने इसमें नहीं लिखी है, आपको जैसे मैं फर्दर ऑन रीड करके बताता जाऊंगा। अच्छा, एक और चीज पहले बता दूं, फीमेल्स में ना हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। उसकी रीजन ये होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेल की जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल होती है ना, वो 13.5 से लेके 17.5 तक हम मेल्स में देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फीमेल्स में, उसमें कम होती है 12.5 से, मतलब कि 12.5 से लेके 16 तक फीमेल में नॉर्मल होती है। उसकी रीजन क्या होती है, समटाइम्स कुछ कहते हैं कि जी वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है फीमेल में इसलिए वो कम हो जाती है, नो डाउट उसमें भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो मेन जो मतलब इसका आंसर है ना, वो इसका ये है कि ना फीमेल में ना एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन, एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है, हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, उसका ना नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके इरिथ्रोपोइटिन पे, ईपीओ जीन पे, जो हमारे प्रोड्यूस किधर से होता है जी, किडनी के पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है उस पे। अब देखिए, जब ईपीओ जीन सही तरह स्टिमुलेट नहीं हुआ, बोन मैरो को मैसेज नहीं मिला, तो अनिमिया वाले, तो उसकी अनिमिया वाले फीचर भी होंगे, ऑल दो उसमें एचबीवी कम होगी। एज लाइक वी हैव टू टॉक अबाउट द मेल, मेल में पता आपको क्या होता है, टेस्टोस्टिरोन का ना पॉजिटिव इफेक्ट होता है किसकी तरफ, ईपीओ जीन की तरफ स्टिमुलेट करता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन का लेवल मेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई मतलब ये बात पूछता तो आप उनको आंसर दे सकते हैं। पढ़ लेते हैं एक दफा जी, एनीमिया होता क्या, रिडक्शन इन द सर्कुलेटिंग आरबीसी मैस प्रेजेंट विद द साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के साथ पेशेंट आएगा, वीकनेस होगी, फटीग होगी, डिस्निया होगा, पेल कंजक्टिवा इन द स्किन, हेडेक होगी, लाइट हेडनेस। ठीक है, एंजाइना भी हो सकता है, स्पेशली विद द प्री एग्जिस्टिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पहले ही कोई ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो अगर
ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल आपका अनीमिया हो गया, तो ऑक्सीजन सही तरह कैरी नहीं होगी, कम होगी, कम टिश्यू की तरफ जाएगी, ऑर्गन की तरफ जाएगी। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो हार्ट को कम मिलेगी, तो उसकी वजह से एम आई होने के चांसेस ज्यादा, एंजाइना होने के ज्यादा चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसने इसमें बस ये लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट एंड आरबीसी काउंट आर यूज्ड एज अ सरोगेट फॉर द आरबीसी मैस व्हिच इज डिफिकल्ट टू द मैयर। अच्छा, इसने ये बता दिया कि आरबीसी मैस किस किस से मिलकर बनता है, हीमोग्लोबिन से मिलकर बनता है, हिमेटोक्रिट से बनता है और आरबीसी काउंट से बनता है। अब एनीमिया इज डिफाइंड एज द लेस देन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल एंड द लेस देन 12.5 ग्राम इन फीमेल इज नोन एज एनीमिया। नॉर्मल कितना लेवल होता है जी, वही 13.5 से लेके 17.5 तक मेल में होता है, 12.5 से लेके 16 तक आपका किस में होता है जी, फीमेल में होता है। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल थे, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब कितने तरह के एनीमिया होता है, एनीमिया की क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। एनीमिया बेसिकली ना तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, एक होते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया और एक हमारे होते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो, नॉर्मो एंड मैक्रोसिटिक एनीमिया, ये थी इसकी क्या जी, क्लासिफिकेशन थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लासिफाई करें एनीमिया को, इसकी तीन टाइप्स बतानी है आपने, ये तीनों उसमें मेंशन कर देना। अच्छा, अब इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, अगर तो सीबीसी पे एमसीवी का लेवल कितना हो, लेस देन 80 हो, ठीक है, 80 to 100 नॉर्मल होता है। अगर लेस देन 80 हो तो हम उसको क्या इंडिकेट करते हैं जी, पेशेंट में क्या है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर तो 80 से 100 तक हो तो इसका मतलब ये होता है जी नॉर्मोसिटिक एनीमिया पेशेंट को। अगर 100 से भी ज्यादा हो जी, मोस्ट लाइकली विटामिन B12 और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी में इस तरह होता है कि आपका एमसीवी का लेवल कितना हो जाता है, 100 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं जी, वो क्या है, वो मैक्रोसिटिक एनीमिया। समझ आ गई, ये उसके क्या थे सिम्टम्स थे, उसका किससे मिलके बनता है, हेमेटोक्रिट होता है, उसमें आरबीसी काउंट होते हैं साथ में, और साथ में इसको क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल, अगर इन तीनों में डेफिशिएंसी होती है, वी हैव टू कॉल दिस एनीमिया। ठीक है, अब माइक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है, इसको देखते हैं जिसमें कौन कौन सा एनीमिया हम पढ़ेंगे, हम फर्दर ऑन इसको डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया विद द एमसीबी, वही मैंने आपको बता दिया, एमसीबी का लेवल कितना होता है जी, 80 से कम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया बोलते हैं। लेस देन 80 हो तो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक एनीमिया आर ड्यू टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। जब हमारी एचबी का लेवल डिक्रीज हो जाता है ना, तो इसकी वजह से हमारा एमसीबी भी सीबीसी भी क्या कर जाता है, 80 से कम हो जाता है। ठीक है, आरबीसी प्रोजेनिटर सेल इन द बोन मैरो आर लार्ज एंड नॉर्मली डिवाइड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोड्यूस द स्मॉलर मैच्योर सेल एमसीबी 80 to 100। अच्छा, उसने नॉर्मल यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा है कि आरबीसी ईपीओजीन मैसी देता है बोन मैरो को, बोन मैरो आगे फर्दर डिवीजन करती है, प्रोडक्शन करती है आरबीसी की, नॉर्मली 80 to 100 इसका लेवल होता है। माइक्रोसाइटोसिस ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिवीजन व्हिच अकर टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अच्छा, उसने बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट के अंदर एचबी का लेवल डिक्रीज कर जाता है ना, तो हमारी माइक्रोसाइटोसिस हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा ईपीओजीन मैसी देता है बोन मैरो को और उसकी वजह से छोटे सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ताकि वो कंपनसेट कर सकें, किसको, माइक्रोसिटिक एनीमिया को कंपनसेट कर सके। हीमोग्लोबिन अब किससे बनती है, अच्छा उसने यहाँ पे हीमोग्लोबिन के क्लासिफिकेशन लिखी है जी, हीमोग्लोबिन किससे बनती है, हीमोग्लोबिन बेसिकली आपकी बनती है हीम और ग्लोबिन से बनती है, किससे बनती है जी, हीम और ग्लोबिन से बनती है, ऐसी है। अब फर्दर आगे हीम किससे बनता है, हीम में क्या क्या चीजें आती है, हम वो भी इसमें पढ़ेंगे। हीम में ना जो आपकी चीजें आती हैं, उसमें आता है जी आपका प्रोटो पोरफारिन रिंग और आयरन, दो चीजें आती हैं किसमें, हीम में। आयरन आपकी बॉडी से फुली रीअब्सॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आयरन नहीं कर सकता एक्सेप्ट वन मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एक्सफोलिएटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी से आयरन नहीं निकल सकता, या किसी को फीमेल को मेंस्ट्रुएशन मतलब के होती है, उसकी वजह से भी आयरन ब्लड लॉस में भी हो सकता है, जहाँ पे आयरन बॉडी से उसका लेवल डिक्रीज कर दे। ठीक है, अब प्रोटोपोरफाइरिन रिंग क्या करती है, डिक्रीज, अच्छा अब एक दफा मैं आपको यहाँ से भी पढ़ा दूं, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ द हीम एंड ग्लोबिन, हीम इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड प्रोटोपोरफाइरिन रिंग्स।
डिक्रीज ऑफ एनी दीज कॉम्पोनेंट लीड टू द माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अच्छा, अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया बेसिकली 80 से कम लेवल होता है। अगर हीम का लेवल डिक्रीज हो, या हीम का लेवल और या ग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो, ये दोनों इंडिकेट करते हैं पेशेंट को क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अच्छा, ये जो इसकी प्रोटोपोरफिरिन की फर्दर क्लासिफिकेशन है ना, हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया की एक टाइप होती है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। ये मैं आपको वहां जाके सारा बताऊंगा कि प्रोटोपोरफिरिन आगे चेंज होती है उसके अंदर बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन आगे बिलीरुबिन में अनकोन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड कैसे, वो सारा मैकेनिज्म वहां पे देखेंगे। बस अभी आप इतना याद रखें, हीम किससे बनती है, आयरन से बनती है, और प्रोटोपोरफिरिन रिंग से बनती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? सबसे पहले मेन टॉप मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ना बेसिकली आपने याद रखना है, ये डिपेंड करता है बच्चों में कब हो रहा है, एल्डरली कब हो रहा है, एडल्ट्स में कब हो रहा है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपका आयरन का लेवल डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, हीम का लेवल भी डिक्रीज कर देता है, हीमोग्लोबिन और माइक्रोसाइटिक एनीमिया। वही बात हुई, इसने नई बात यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया प्रेग्नेंट वुमन में पूछा जाए तब भी मोस्ट कॉमन कौन सा एनीमिया होता है, आपने कहना जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर वैसे मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो फिर भी कौन सा हमारा होता है, वो भी आयरन डेफिशिएंसी ही होता है, सेम है, यही होता है। ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहले इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। आयरन हमारी बॉडी में आता है फूड के जरिए। हमने फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, हमने कोई ना कोई फूड इनटेक किया, ये देखें हमने कोई ना कोई एसोफेगस से फूड इनटेक किया और ये आया स्टमक में, आयरन वाला इस फूड में आयरन भी है। आपको पता होना चाहिए जो आयरन है ना वो आपका किधर रीअब्सॉर्ब होता है, अब्सॉर्ब आपका आयरन किस पार्ट पे होता है, ठीक है ना, ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, ड्यूडिनम के अंदर मोस्ट लाइकली आपका क्या होता है जी, आयरन रीअब्सॉर्ब होता है, अब्सॉर्ब रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है जी, ड्यूडिनम के अंदर ये होता है अब्सॉर्ब। अब किसी पेशेंट ने खाना खाया जी, उसके फूड में क्या था, स्टमक में गया, वहाँ पे जी वो उसने इंजाइम रिलीज हुए, स्टमक के इंजाइम रिलीज हुए ड्यूडिनम में, और यहाँ पे आके इसने क्या किया जी, बॉडी में अब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, अब ये ड्यूडिनम के लेवल पे आके ना ब्लड में किस तरह आता है, हमारी बॉडी में किस तरह आयरन आता है, हमें ये पता होना चाहिए। हमारी एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं फेरोप्रोटीन। फेरोप्रोटीन क्या करती है जी, हमारे ड्यूडिनम से ना आयरन को एब्जॉर्ब कर लाती है। ठीक है, कौन लेके आती है जी, फेरोपोर्टिन प्रोटीन। ठीक है, क्या करती है, ब्लड में लेके आती है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। अच्छा, ये मैंने आपको बताया। अब आयरन हमें मिलता कहाँ कहाँ से, किस किस प्रोडक्ट से हम आयरन ले सकते हैं, किस किस चीज से ले सकते हैं। हम आयरन ले सकते हैं हमारा किससे ले सकते हैं, हम मीट से ले सकते हैं, ठीक है, और अगर हम बात करें नॉन हीम में तो वेजिटेबल से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, आयरन को ले सकते हैं, वहां से भी हमें आयरन इजीली मिल जाता है। हमारे कौन से ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, उनका नाम होता है DMT1 ट्रांसपोर्टर। ये भी पूछा जाता है जी, कौन से ऐसे इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इसको लेके आते हैं, और आते किसकी मदद से हैं, फेरोप्रोटीन की मदद से ब्लड में। ठीक है, ये बात पता चल गई। अब यहाँ पे ट्रांसफरिन का क्या काम होता है, ट्रांसफरिन का काम ये होता है कि आपके ब्लड में से ना, किसका, ट्रांसफरिन प्रोटीन का, ट्रांसफरिन का काम ये होता है कि ब्लड में से आयरन को लेके जाना कहाँ पे, लीवर, ठीक है, बोन मैरो और स्प्लीन, वहां पे क्या करता है जी, ये आयरन को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, लीवर के अंदर मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा इसकी जो स्टोरेज फॉर्म है वो आपका लीवर ही होता है, लीवर में मोस्ट लाइकली ये स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा ट्रांसफरिन का भी बता दिया। फिर एक और प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है जी फेरेटिन। फेरेटिन बताती है हमारी बॉडी में आयरन स्टोर है कि नहीं, इसकी क्वांटिटी बता दी। फॉर एग्जांपल अगर फेरेटिन का लेवल कम हो,
वो इंडिकेट करता है कि जी हमारी बॉडी में आयरन क्या है, कम है, फेरेटिन ज्यादा है, इसका मतलब ये कि आयरन हमारे जो लीवर में है ना वो ज्यादा स्टोर है। अच्छा, ये तो कुछ थे नॉर्मल फिजियोलॉजी थी जो पता होनी चाहिए कि जी फेरोपोर्टिन क्या करती है, ट्रांसफरिन क्या करती है, किस ट्रांसपोर्टर के जरिए रीअब्सॉर्ब होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं, कौन सी प्रोटीन इसको ब्लड में लेके आती है, कौन सी प्रोटीन इसको लीवर में लेके जाती है, किसके जरिए लीवर में स्टोर होता है, इतना से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको एक दफा हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं, उसने यहाँ पे कोई चीज नहीं तो नहीं मेंशन की हुई। ठीक है, एट द एंड इसको हम बाकी बुक से भी देख लेंगे एक दफा। अच्छा, ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ द आयरन आयरन हीम एंड द हीमोग्लोबिन माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। अगर इन तीनों का लेवल कम हो तो क्या हो जाता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एनीमिया होता है हमारा कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट वुमेन में भी होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हमारी कौन सी होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, अफेक्टिंग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आयरन किससे बनता है जी, हमें मीट से मिल जाता है, वेजिटेबल से मिल जाता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे इसकी होती है जी, DMT1 ट्रांसपोर्टर होता है वो करता है, करता कौन है जी, ये फेरोपोर्टिन की मदद से होता है। एंटीरोसाइट ट्रांसपोर्ट आयरन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड व्यू फेरोपोर्टिन प्रोटीन। ट्रांसफरिन क्या करती है जी, आयरन को किधर लेके जाती है, ब्लड की तरफ लेके जाती है, लीवर की तरफ, बोन मैरो, मैक्रोफेज फॉर द स्टोरेज, मैक्रोफेज स्टोरेज करवाते हैं, प्लस स्प्लीन लिख लें वहां पे भी आयरन स्टोर हो सकती है। स्टोर्ड इंट्रासेलुलर आयरन इज बाउंड टू द फेरेटिन, फेरेटिन के साथ जुड़ती है ताकि कोई फ्री रेडिकल इंजरी उस पर अटैक ना कर सके। ठीक है, हमारा ये डिफेंस मतलब कि मैकेनिज्म होता है ना, फ्री रेडिकल नहीं, सॉरी, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता, फ्री रेडिकल इंजरी तब होती है हमारी बॉडी में जब कोई ना कोई बाहर से कोई चीज आती है वहां पे बॉडी में स्टोर होती है, वो इसको ज्यादा पैथोजन समझ के उसके अटैक कर देते हैं। नॉर्मल पे भी कर सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, और फैंटोम रिएक्शन करवाते हैं, ये हम इसके चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, जब हम फ्री रेडिकल इंजरीज पढ़ेंगे वहां बताएंगे फर्दर डिटेल। अच्छा, अब तो देख लिया जी हमें ये मिलता कहाँ से है, ठीक है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब कैसे होता है, कौन लेके जाता है, कौन नहीं लेके जाता। अब हम फर्दर इसको करें, फर्दर इसकी बात करें लैब्स फाइंडिंग में, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट आया है तो वो आएगा कैसे हमारे पास, लैब फाइंडिंग, सीरम आयरन मेजर्ड ऑफ द आयर आयरन इन द ब्लड। सबसे पहले हमें सीरम आयरन क्या बताती है कि आयरन ब्लड में कितना है, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी बताती है कितनी है, आयरन इन ब्लड कितना है, कौन बताता है, हमारा सीरम आयरन बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल आयरन बर्निंग कैपेसिटी एक होती है। अच्छा, ये टोटल आयरन बर्निंग कैपेसिटी का क्या जी फॉर्मूला, ये क्या करती है जी, इसका फॉर्मूला ये होता है कि ये हमें बताती है कितने मॉलिक्यूल हैं हमारी बॉडी में आयरन के। ठीक है, आयरन के मॉलिक्यूल बताते हैं कितने हमारी बॉडी में। ठीक है, जब मैं इसकी आपको आयरन डेफिशिएंसी की डायग्नोसिस बताऊंगा ना क्या हमें लैब फाइंडिंग मिलती है, फिर आपको इसकी एग्जैक्ट पता चलेगा यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बात करना क्या चाह रहा है। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज आयरन की सेचुरेशन ये बताती है कितना सेचुरेटेड हुआ आयरन, ये होती है कि जी कितने मॉलिक्यूल हमारी ट्रांसफरिन के साथ जुड़े हैं। मतलब कि ट्रांसफरिन का काम क्या होता है, ट्रांसफरिन का काम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने आयरन इंटेक किया, कितने हमारी बॉडी में उसके मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं, और वो एब्जॉर्ब होके किस तरफ जा रहे हैं, लीवर की तरफ जा रहे हैं, हमें कौन बताता है, ट्रांसफरिन बताती है। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल थी, नॉर्मल चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जी सीरम आयरन क्या होता है, कितने आयरन हमारी बॉडी में, उसको हम सीरम आयरन बोलते हैं। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है कि कितने मॉलिक्यूल ट्रांसफरिन के हमारी बॉडी में, ट्रांसफरिन के बारे में बताती है कि कितना वो कैरी कर सकता है। ठीक है, कैरी कर रहा है। और सेचुरेशन क्या होती है जी, कितने मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं ट्रांसफरिन के साथ, ठीक है, कितने जुड़े हैं। और फेरेटिन क्या होती है, कितनी स्टोरेज फॉर्म हमारे पास पड़ी हुई है आयरन की, इसको हम क्या कहते हैं, फेरेटिन कहते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल किन किन में ये हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कॉज क्या हो सकती है, किन में ये हो सकती है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम इस चीज को देखेंगे। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी इज यूजली कॉज बाय द डाइटरी लेक और ब्लड लॉस। अगर फॉर एग्जाम्पल फीमेल में मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, नॉर्मल साइकिल होता है, उनमें मोस्ट लाइकली हो सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करें कि इन्फेंट्स में कितनी देर होते हैं, 1 ईयर के बच्चों में कैसे हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं
ब्रेस्ट फीडिंग में ना आयरन का लेवल कम होता है ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्फेंट में हमारा क्या हो सकता है जी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। चिल्ड्रंस में भी हो सकता है क्योंकि अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अडल्ट में क्या होता है, 20 से लेके 50 साल तक के लोगों में पेप्टिक अल्सर डिजीज, आपको पता है पेप्टिक अल्सर डिजीज जब परफोरेट कर देती है तो क्या होता है जी, ब्लीडिंग होती है, जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लड लॉस होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है किसी फीमेल को, उसमें हो सकता है, प्रेगनेंसी में ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है प्रेगनेंसी, ठीक है। एल्डरली क्या होता है, जो बड़ी एज के लोग होते हैं 60+ होते हैं ना, उनमें ये होता है कि कोई ना कोई कैंसर की वजह से हो सकता है, कैंसर भी किस वजह से, फॉर एग्जाम्पल कोई हुक वॉर्म ना, एनकालोस्टोमा ड्यूडेनले और नेगेटर अमेरिकन, ये एमसीक्यू में रिपीटेडली पूछा गया कौन सा हुक वॉर्म होता है जो आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करता है एल्डरली में, तो आपने इसका एमसीक्यू का आंसर ये लगाना, ये एनएलई में मल्टीपल टाइम पूछा गया, ठीक है। कोई ना अब कोई ना कोई जिसकी वो डाइटरी डाइट ठीक नहीं है, डाइटरी इंसुफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है, मैल एब्जॉर्प्शन में भी हो सकता है, गैस्ट्रेक्टमी के पेशेंट में भी ये हो सकता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल किस में हो सकता है, विटामिन सी आपका चेंज करती है किसको, Fe3 को Fe2 के अंदर चेंज करती है विटामिन सी, ठीक है, ऑक्सीडाइज को रिड्यूस फॉर्म में चेंज करती है। अब किसी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है ना, तो उसके अंदर भी ये चेंज नहीं होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, मिथामोग्लोबिनीमिया बोलते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। अब कोई लोग सल्फा ड्रग यूज कर रहे हैं, नाइट्रेट्स यूज कर रहे हैं, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होती है, वो Fe3+ को Fe2+ के अंदर चेंज नहीं होने देता, और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है जी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, याद रखना इस पे इस बात को। कौन कौन से ड्रग ऐसे होते हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा सकते हैं, उनमें आता है जी सबसे पहले नाइट्रेट्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है, और इसमें क्या आता है जी, नाइट्रेट्स के अलावा आ जाएंगे आप कह रहे हैं इसमें एंटीबायोटिक्स में सल्फोनामाइड, सल्फा ड्रग और कौन सा, नाइट्रेट्स ड्रग, ये दोनों मिलके क्या करवा देते हैं जी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा सकते हैं। अच्छा अब किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, हमें कैसे पता चलेगा उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें सबसे पहले आपकी लैब फाइंडिंग में ना फेरेटिन का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है, जो हमारे पास टोटल आयरन जो स्टोर है ना वो कम हो जाएगा, इसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा कर देगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा कहाँ से जी, ड्यूडेनम के पार्ट में से, ठीक है। इसमें जो और इसमें जो ट्रांसफरिन का लेवल है ना वो भी क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। ट्रांसफरिन का लेवल क्यों इंक्रीज करेगा, अगर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है मतलब ये है कि आयरन के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा अटैच हो रहे हैं हमारी बॉडी में ट्रांसफरिन के साथ, तो ट्रांसफरिन क्या ज्यादा की होगी, ट्रांसफरिन ना ज्यादा से ज्यादा किस तरफ लेके जाना होता है, लीवर में, ताकि उसको क्या कर सके, कॉम्पनसेट कर सके, इसीलिए ट्रांसफरिन का लेवल भी इसमें क्या होगा जी, रेज होगा। हमें सीरम आयरन का लेवल कम मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो ब्लड में ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा इसमें, ठीक है। और इसमें सेचुरेशन भी कम होगी, सेचुरेशन इसलिए कम होगी क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है जी, आयरन है कम है, ठीक है। इधर मैंने आपको सेचुरेशन का क्या बताया था कि परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफरेंट मॉलिक्यूल डेड बाउंड बाय द आयरन, अब हमारी बॉडी में तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो मुझे बताएं ट्रांसफरिन के साथ ज्यादा जुड़े होंगे कम होंगे, कम होंगे, लेकिन फिर भी बॉडी को कंपनसेट करने की कोशिश साथ साथ कर रही होगी, ठीक है। अदर कॉज इंक्लूड द मेल न्यूट्रिशन, मेल एब्जॉर्प्शन एंड गैस्ट्रेक्टमी बाय द मेंटेनिंग अ रिड्यूस्ड स्टेट व्हिच इज मोर रेडली एब्जॉर्ब देन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, स्टोरेज आयरन इज डिप्लीटेड, फेरेटिन का लेवल कम होगा, वही बात, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल इसमें ज्यादा होगा, सीरम आयरन इज डिप्लीटेड, सीरम आयरन कम होगा, सेचुरेशन भी कम होगी, क्यों, क्योंकि बॉडी में आयरन कम है। इसमें नॉर्मोसिटिक एनीमिया, बोन मैरो मेक फीवर बट नॉर्मल साइज आरबीसी, शुरू में ये है कि वो ये करेगा कि नॉर्मल साइज आरबीसी बनाएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम माइक्रोसाइटोसिस हो जाएगी, इसमें छोटे बनाएगा ताकि कंपनसेशन मैकेनिज्म के जरिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल बने और ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके, बोन मैरो मेक द स्मॉलर एंड द फ्यूर आरबीसी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कैरी कर सके, ऑक्सीजन कैरी कर सके। अच्छा इसके क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड द कोलिनेकिया एंड द पाइक, पाइका, पाइका कोलिनेकिया ये होता है कि जी स्पून शेप नेल हो जाते हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में ये मेंशन कर देगा स्पून शेप नेल, ठीक है। किस में हम देखते हैं जी, स्पून शेप नेल हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, और पाइका क्या होता है,
पाई का ना बेसिकली ये होता है कि वो ना मतलब मट्टी ज्यादा से ज्यादा खाएगा, प्लास्टिक वाली चीजें मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इनटेक करेगा, ठीक है। पाई का ये होता है, इसको हम बोलते हैं कि मेटल्स की जो चीजें होती है ना, नॉन मेटल्स, उनको ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करेगा। मट्टी होगी, रेत होगी, क्ले वगैरह, जितनी सारी चीजें है ना, ये उनको मतलब के खाएगा। उसका दिल करेगा कि मैं इन चीजों को खाऊं। क्लिनिकल फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वही स्पून शेप मेल हो जाती है। लैब फाइंडिंग में क्या नजर आता है हमें, लैब फाइंडिंग पे हम क्या देखते हैं, माइक्रोसाइटोसिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज विद द रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब देखिए हमारी बॉडी में आयरन का लेवल तो कम है, लेकिन आयरन बनता कैसे था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आयरन बनता है किससे, हीम और ग्लोबिन से बनता है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है, हीम और ग्लोबिन से बनता है। हीम आगे किससे बनता है, आयरन और प्रोटोपोरफरिन रिंग से बनता है। यही मैंने बताया था ना कि जो हमारी बॉडी में हीम है वो किससे बनता है, आयरन और प्रोटोपोरफरिन रिंग से बनता है, ठीक है। अब किसी पेशेंट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो इसकी तो डेफिशिएंसी, लेकिन इसका लेवल तो ठीक है ना, नॉर्मल है, क्योंकि आरबीसीज वो छोटे और ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्रोटोपोरफिरिन रिंग का लेवल ज्यादा हो जाएगा। उसने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये आपने एक बात याद रखनी है, इसमें फेरेटिन का लेवल कम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा आएगी। कैसे ज्यादा होती है मैंने आपको बता दिया, सीरम आयरन भी कम, सेचुरेशन भी कम, और ये प्रोटोपोरफिरिन रिंग का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ट्रीटमेंट इसको क्या हो सकता है, हम इसको जी हम आयरन देंगे, डिपेंड करेगा आप ट्रीटमेंट की भी स्ट्रेटेजीज हैं कि कैसे आयरन हमने इसको देना है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपने उसको ऑरल फॉर्म में आयरन दिया और वो शो कर रहा है सम काइंड ऑफ द एबडोमिनल सिम्टम्स, उसको डिस्पेप्सिया हो रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, गैस्ट्रोपरेसिस हो गई है, पेन शुरू हो गई है जिसको कहते हैं इसमें स्टमक में, तो आपने फिर फर्दर मूव ऑन करना है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रही है, फिर आपने उसको आईवी प्रेफर करनी है। इसका मतलब ये है कि ओरल आयरन देने से वो ओरल आयरन को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, पेरेंट्रल देनी है, आईवी दे सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स है कि फर्स्ट आपने तो उसको ओरल ही प्रेफर करनी होती है। अच्छा, एक चीज होती है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। अब प्लम्बर विंसन सिंड्रोम एरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एसोसिएट करता है। इसमें पेशेंट आएगा जी एसोफेजियल वेब के साथ, एसोफेगस ऐसे थोड़ी सी प्रोट्रूड, ऐसे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्रोट्रूड कर देगी, वेब वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ये वेब बन गई है, ठीक है। अब एसोफेजियल वेब बन गई है, इसकी वजह से खाना सी तरह अंदर नहीं जाएगा, डिसफेजिया हो जाएगा, बीफी रेड टंग इसमें देखते हैं और साथ एट्रोफिक ग्लोसाइटस देखते हैं। पेशेंट में अगर पूछा जाए कि उसका एमसीवी लेवल डिक्रीज है, ठीक है, एसोफेजियल उसका एमसीवी लेवल डिक्रीज है, उसका वेट लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिसफेजिया हो रहा, खा नहीं रहा, बीफी रेड टंग है, और साथ कह दें जी हम उसको एसोफेजियल वेब देखिए, एट्रोफिक ग्लोसाइटस है उसको, ठीक है, बताएं पेशेंट को क्या है। तो फिर आपने इसका आंसर लगाना है प्लमर विंसन सिंड्रोम, ये पूछा गया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का फर्स्ट टाइम इसके साथ एसोसिएट करके आता है। अच्छा, अब इसको एक दफा सारे को रीड आउट कर लेते हैं। डिक्रीज द लेवल ऑफ आयरन, आयरन हीम कम, ग्लोबुलिन कम्स, और हीम माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसमें हो गया। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एनीमिया होता है, वन थर्ड पॉपुलेशन में होता है, DMD1 ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में, ठीक है। फिर उसके बाद फेरोपोटिन की मदद से ये होता है, ट्रांसफरिन इसको ब्लड में लेके जाते हैं, ट्रांसफरिन प्रोटीन फेरोपोटिन इसकी, फेरिटिन इसकी स्टोरेज फॉर्म होती है, कितना स्टोर है। सीरम आयरन क्या इंडिकेट करता है, हमारी बॉडी में आयरन कितना है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये इंडिकेट करता है, कितने ट्रांसफरिन के मॉलिक्यूल जुड़े हैं आयरन के साथ। सेचुरेशन ये डिपेंड करता है कितने परसेंट हमारी बॉडी में आयरन मौजूद है, फेरेटिन ये होता है कितना परसेंट आयरन हमारे पास स्टोर पड़ा हुआ है लीवर में, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी किस किस में हो सकती है, इन्फेंट्स में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, फिर उसके बाद एल्डरली में हो सकती है, सारे उसके मतलब के ब्रेस्ट फीडिंग में अगर उसकी बात करें तो इन्फेंट में होगी, एडल्ट की बात करें तो पेप्टिक अल्सर डिजीज और मेनोरेजिया होगी, और एल्डरली में कोई ना कोई कार्सिनोमा या एनकोलास्टोमा ड्यूडेनाले और नेक्टर, अमेरिकन ही हुक फॉर्म है जो कर, अमेरिकन जो हुक फॉर्म जो कर सकते हैं। अदर कॉज में ड्रग्स की हिस्ट्री दे सकता है, सल्फा ड्रग दे सकता है, फिर उसके बाद नाइट्रेट ड्रग्स दे सकता है, गैस्ट्रेक्टमी की हिस्ट्री दे देगा, और इसकी स्टेजेस की बात करेगा तो सबसे पहले फेरेटिन का लेवल इसमें कम होगा, ऑब्वियसली इसमें कम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा होगी, सीरम आयरन कम होगा, परसेंटेज भी इसमें कम होगी, ठीक है। पहले उसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग देख लें जी, इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, इसमें उसको कह सकता है कि टेस्ट और स्मेल की सेंसेशन ठीक नहीं आ रही, कोलिनेचिया हो जाएगा, पाइका हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा उसको, ठीक है, मट्टी वाली चीजें ज्यादा खाता है, स्पून शेप नेल बता देंगे इसमें। लैब फाइंडिंग में क्या होगा, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ज्यादा हो जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ ज्यादा होगी तो
वो ऑक्सीजन कैरी करने की, आयरन ज्यादा कैरी करने की कोशिश करेंगे, फेरेटिन कम हो जाएगा, टोटल आयरन कैपेसिटी ज्यादा, सीरम आयरन भी कम, पर्सोटिन सेचुरेशन भी कम, प्रोटोपोरफिरिन जिन का लेवल कैसे ज्यादा होता है मैंने आपको बता दिया, इन्वॉल्व हम इसको आयरन देंगे बाहर से फेरोसल्फेट की फॉर्म में देंगे। थर्मल विंटर सिंड्रोम में क्या होता है, एट्रोफिक्लोसाइटस होता है, बीफ रेड टंग होती है, प्लस टीस फेबिया होता है, ये कुछ फीचर है जो हम इसमें देख सकते हैं। अच्छा इसको ही अब एक दफा हम फर्स्ट एड की बुक से देख लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है आयरन डेफिशिएंसी में, वहां से बस एक दफा रीड आउट करना है। ठीक है ये देखें, ट्राइएट और डिसफेजिया आयरन डेफिशिएंसी नहीं, बेसोफेजियल वेब बन जाता है, ठीक है, स्किन मसल्स कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं, मे बी एसोसिएटेड विद द ग्लोसाइटिस, वही यहां पे उसने बात लिखी हुई है। आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, अच्छा इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आयरन ड्यू टू द क्रोनिक ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की एमसीवी इसमें लेस देन 80 होता है पहली बात, दूसरी बात उसने बोला क्रोनिक ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से एब्जॉर्प्शन में इशू आ रहा था, वो हो सकता है, कोई कोई ना कोई जीआईटी सर्जरी हो गया था, वो हो सकता है, डिमांड बढ़ गई है तब हो गया है प्रेगनेंसी में, ये हमारा फिजियोलॉजिकल होता है, फाइनल स्टेप इन द हीम सिंथेसिस में जो फाइनल स्टेप होता है। आयरन का लेवल कम, टोटल आयरन बर्निंग कैपेसिटी क्या होगी इसमें ज्यादा होगी, फेरेटिन इसमें कम होगा, आयरन फ्री सॉरी लेवल कम होगा इसमें, फ्री रेथ्रोसाइट प्रोटोपोरफिरिन का कैसे लेवल होगा ज्यादा होगा वो भी बता दिया, आरडीडब्ल्यू कैसे ज्यादा होगा, माइक्रोसाइटोसिस हाइपोक्रोमिया सेंट्रल पेलर होगा, सिम्टम फटीग कंजक्टिवा पेलर, वो जो अनीमिया के सारे फीचर्स थे ना हमने, लाइट हेडनेस बड़ी थी, हेडेक बड़ा था उसमें, फटीग बड़ा था उसमें, और पाई का परसिस्टेंट क्रेविंग एंड द कंपल्सिव ईटिंग नॉन फूड सब्सटेंसेस, नॉन फूड वही हो जो मट्टी खाने का उसका ज्यादा से ज्यादा दिल करेगा, स्पून नेल इसमें कॉलिनिकल इसमें बोलते हैं, मे मैनिफेस्ट एज ग्लोसाइटस, चिलियोसिस माउथ का वो मतलब कि इन्फेक्शन उसको हो जाएगा। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, एसोफेगल बेड प्लस डिसफेलिया, कुछ भी इसमें नया नहीं लिखा हुआ, सारी बातें मैं लिखती हूँ। तो ये था जी हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको एक दफा हम यहाँ से स्टेप टू सीके से भी रीड कर लेते हैं जी, हमारे उसने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ स्टेप टू में, मेडिसिन में कोई नई चीज उसने इसमें बताई हो। चला गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया इन विच आयरन लॉस एक्साइड इनटेक में अकर रिजल्ट ऑफ द डिमांड ग्रोथ फेज प्रेगनेंसी एरिथ्रोपोएटिन का लेवल कम हो, आयरन डेफिशिएंसी कोई ना कोई हेमरेजिया वुमेन्स ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज में मोस्ट कॉमन हो सकता है, सीलिक डिजीज में हो सकता है, ठीक है, सिम्टम्स क्या आएंगे, फटीग डिस्पनिया टैकीकार्डिया एंजाइना सिंकोप एंड द पाइका, ठीक है, कोलिनेकिया भी इसमें होते हैं, इफ द एनीमिया डेवलप स्लोली पेशेंट आर जनरली एसिम्प्टोमेटिक, फिजिकल फाइंडिंग इसमें क्या होगी, ग्लोसाइटस होगा, कंजक्टिवा पेलर होगा, चिलियोसिस हो सकती है और कोलिनेकिया हो सकती है, स्पून नेल शेप, डायग्नोसिस सीबीसी पे करना है जी, सबसे पहले बेस्ट इनिशियल है, एमसीबी का लेवल कम और एमसीएच का लेवल भी कम, एमसी एमसीएचसी का भी मीन कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन का लेवल भी इसमें कम ही होगा, ठीक है, अब एमसीबी का लेवल जब डिक्रीज होता है डायरेक्टली इंडिकेट करता है जी पेशेंट में माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गया, ठीक है, नो सिंगल वैल्यू इज डायग्नोस्टिक बट द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, फेरेटिन का लेवल कम हो गया, ठीक है, फिर उसकी आयरन की रिपोर्ट्स करवाएंगे जी, उसमें क्या होगा, अरे फेरेटिन का लेवल इसमें कम होगा, टोटल आयरन बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा, परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन कम, सीरम आयरन भी इसमें कम, वो बता दिया आपको कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ चले जी, और ट्रीटमेंट में उसने क्या बताया जी, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा, बोन मैरो बायोप्सी करते हैं इसमें, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पर पता चलता है, रिप्लेसमेंट आयरन ओरली अंटिल नॉर्मली एंड फॉर एटलीस्ट 4 to 6 मंथ टू रिप्लेनिश, अच्छा ओरल आयरन देंगे अगर उसको क्या हो रहा है उसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, नोजी हो रहा है, डायरिया अब्डोमिनल पेन और ब्लैक स्टूल हो रहा है, तो देन वी हैव टू कन्वर्ट ऑन द पेरेंटल पे शिफ्ट कर देंगे उसको, आईवी पे ले जाएंगे, आईवी के बाद उसको पेरेंटल ले जाएंगे, और इसमें अगर आईवी आयरन देंगे तो उसको डेक्सट्रान इज एसोसिएटेड विद स्मॉल रिस्क फॉर द सीवियर साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग द एनाफिलैक्सिस, आयरन सुक्रोज में भी एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क फॉर द एलर्जी, अच्छा हमने ये भी ध्यान से पहले हमने टेस्ट डोज देनी होती है, थोड़ी सी देखना होता है कि उसको क्या हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा, अगर उसको नहीं हो रहे तो फिर हम उसको आईवी प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा साइड बॉक्सेस में उसने कोई बात, कॉजेज ऑफ द माइक्रोसाइटिक एनीमिया लिखा हुआ, लेड पॉइजनिंग आप आगे जाकर पढ़ेंगे, आप सारे पढ़ लेंगे तब, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज एन एल्डरली पेशेंट में बी कॉज बाय द कोलोरेक्टल कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज एंड मस्ट देयर बी इवैल्यूएटेड टू रूल आउट द मैलिग्नेंसी, पर उनको कैंसर तो नहीं है ये भी साथ उसमें देखना होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और द माइक्रोसाइटोसिस हैव अ लो एमसीवी लेस देन 80
एंड जनरली हैव अ लो रेटिकुलो काउंट, उसमें जो क्या होता है रेटिकुलो काउंट भी क्या होता है डिक्रीज करता है। तो ये जी हमारा आयरन डेफिशिएंसी में आता है, खत्म हुआ जो फाइनली। किसी का भी इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में।